सबसे पहले तो मेरे सभी भाई और बहनों को और मेरे दर्शकों को विशाल कुमार की ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अभी दो दिन पहले मैं किसी के घर पे स्नेक रेस्क्यू करने के लिए गया था, तो रेस्क्यू करने के लिए गया था तो वहाँ पर मुझे सैंड बोआ यानी रेड सैंड बोआ मिला और मैंने उसको निकालने की खूब कोशिश की। कम से कम एक डेढ़ घंटे तक मैंने निकालने की कोशिश की और वो नहीं निकला। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको कुछ उसके साथ ऐसा जल्दी में था तो रात का समय था, कुछ उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैं उसको पकड़ कर खींचने लग गया, यानी कि मैंने उसको यातनाएं दी। तो यातनाएं देने के कारण क्या हुआ कि वो आक्रोश में आकर उसने मुझे उंगली में बाइट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे ये निशान। यहाँ पे मेरे अभी निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उसने मुझे बाइट कर दिया और मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे कि ये नुकसान करने वाली चीज नहीं है और ये किसी चूहे के चक्कर में किसी के खेत में चली गई थी, तो इसलिए मैंने वहीं पे उसको छोड़ दिया। तो दोस्तों, दिखाना, अब आप कहेंगे कि फिर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर दिखाना क्यों है, तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि रेड सैंड बोआ ने मेरे को आंगली में बाइट किया और मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रेड सैंड बोआ में जहर नहीं होता है। कई लोगों का मानना होता है कि रेड सैंड बोआ चिपक जाता है, जहरीला होता है और इसके काटने से मौत हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बस यही दिखाने के लिए वीडियो बनाया था कि रेड सैंड बोआ में जहर नहीं है। चलो, तो आगे आपको दिखाते हैं हमारा वो वीडियो जहाँ पे हम रात में रेस्क्यू करने के लिए गए थे और मेरी उंगली में बाइट किया था और खून आया था। तो देखते रहे हमारा वीडियो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ और देख रहा हूँ ये कौन सा स्नेक है, तो मुझे ठीक ढंग से दिख नहीं रहा, तो इसको मैं, हाँ तो दोस्तों ये रेड सैंड बोआ है और मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये निकल चुकी है और मैं इसको पकड़ लिया हूँ। तो दोस्तों ये रेड सैंड बोआ है और मैंने इसको आप देख सकते हैं इसकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो इसने अभी अपनी मजबूती बनाई रखी है और इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको छोड़ दिया है।
तो फ्रेंड मुझे रैंड सैंड बोवा ने काट लिया है और अभी तक ये यहीं पे है और निकलने का नाम नहीं ले रही है, आप देख सकते हैं इसको। तो चलो ये हमें कोई नुकसान नहीं देगी। ये रेड सैंड बोवा ने मुझे काट लिया और इसका कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि ये बिना जहर की होती है और नॉन विनेमस होती है। इसके जो दांत होते हैं वो बहुत ही बारीक दांत होते हैं, तो मैंने इसको तकलीफ दी और इसलिए इसने मुझे काट लिया। तो ये निकल नहीं रही और मैं इसको निकालना भी नहीं चाहता क्योंकि इसने बाइट कर दिया है। अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे।